नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। यहाँ हम और हमारी कुशल टीम आपको अवगत कराते हैं हर नई ज्योतिष गतिविधियों के बारे में एवं पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियों से। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्ट्रो मित्रम को, जिससे हमसे पहुँचने वाली हर जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। वट सावित्री का व्रत करने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि उस व्रत की कथा क्या है। वट सावित्री का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही ये व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक ये क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने की वजह से इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। ये कन्या अत्यंत रूपवती थी और विद्वान थी। उसके योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बेहद दुखी थे। तब उन्होंने सावित्री को स्वयं अपना वर ढूंढने के लिए कहा और वो घूमते हुए तपोवन पहुंची, जहां सार्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने देवर्षि नारद के मना करने पर भी अल्पायु लेकिन बेहद ज्ञानी और वेद ज्ञाता सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। ऐसे में जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तब सावित्री ने भी यमराज के पीछे पीछे चलते हुए 3 वरदान मांगे। उनमें से एक था कि वे 100 पुत्रों की माता बने। जब यमराज ने वरदान दे दिया, तब होशियार सावित्री ने कहा कि वे पतिव्रता स्त्री हैं, तो बिना पति के संतान कैसे प्राप्त कर सकती हैं। विवश होकर यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को सौंप दिए। इसके बाद सत्यवान को पानी पिलाकर सावित्री ने स्वयं वट वृक्ष की बौंडी खाकर पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।